दोस्तों किसी भी साउंड को ट्रैवल होने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ये बात तो हम लोग सब लोगों ने पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन रुको एक सेकंड, मेरा एक सवाल है कि जो एस्ट्रोनॉट लोग स्पेस में जाते हैं वो लोग आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करते होंगे? वहाँ पर तो पूरा का पूरा वैक्यूम है, तो वो लोग आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं? मुझे पता है ऐसे सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे और मैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस क्या होता है ना, जब एस्ट्रोनॉट लोग स्पेस में जाते हैं और किसी एस्ट्रोनॉट को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है, तो जब जो सेंडर एस्ट्रोनॉट होता है उसके सूट में, स्पेस सूट में एक माइक और एक ट्रांसमिशन एंटीना लगा होता है, जिसमें से वो माइक में से बोलता है और वो ट्रांसमिशन एंटीना रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देता है। और गाइस रेडियो वेव को ट्रैवल होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और वो जो रेडियो वेव है वो रिसीवर के पास जाता है और कन्वर्ट होकर रिसीवर के कानों में सुनाई देता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस होता है स्पेस में। गाइस अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।